जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खुश हैं, फिट हैं, मिजाज भी खैर है। बेटा, हमारा चैप्टर है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, चाइना तरक्की के सफ़र पर, या चाइना का तरक्की का सफ़र। उसमें हमने पहला एक टॉपिक कवर कर लिया था, ये बड़ा चैप्टर है, चार लेक्चर्स में कवर होना है, 2/4 का मतलब है। दूसरा लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे। बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, बड़ी कमाल की बातें हैं और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं इसमें सवाल भी डिस्कस कर लूंगा अभी कौन कौन से। आज मैंने डिस्कस किया कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें है क्या क्या। लेक्चर लेसन 8 है, लेक्चर दूसरा है 4 लेक्चर में से। नाम है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। आज का मेरा टॉपिक है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। अब डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी क्या होता है बेटा? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब है मरकज गुरेज मोईशत, वो मोईशत जिसका ताल्लुक मरकज से नहीं होता। यानी ये नहीं कि आपका सारी दौलत सीमेंट की इकट्ठी होकर मरकज में जा रही है, जैसे हमारे सिस्टम मुल्क का भी निज़ाम यही है, इंडिया का भी यही है, बहुत से ममालिक का यही है कि मरकज में पैसा इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से वो प्रोविंसेस को, सूबों को बांटा जाता है। जबकि अगर आप चाइना का मुताला करें तो इसमें है डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी, उसमें बिखरी मोईशत है, यानी हर सूबा की मौशी तौर पे खुद मुख्तार है, इलाका मौशी तौर पे खुद मुख्तार है। ये है इसकी बात डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी की। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट है बताएंगे, चाइनीज क्या समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। आया के मशीनरी इंपॉर्टेंट है, आया के GNP ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, या इंसान इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बात, हम अगली बात ये है कि व्हाई चाइना इज डिफरेंट, चाइना मुख्तलिफ क्यों है दुनिया से, चाइना दुनिया से क्यों मुख्तलिफ है। अगली बात है कि एग्रीकल्चर सिस्टम उसका कैसे चलता है, ह्यूमन साइड ऑफ चाइनीज देखें, ये सारी बातें हैं कि चाइना में क्यों डिफरेंट है, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, और चाइना में अब ह्यूमन साइड जो है चाइनीज एक्सपेरिमेंट की वो कैसी है वो भी डिस्कस करेंगे, और इंडिजिनस मशीनरी कैसी है उसकी बात भी हम करेंगे। बेटा बात शुरू करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी से। अपनी बुक्स खोल लें, नोटबुक्स खोल लें, मैं अल्फाज के मानी बताता जाऊँगा, एंड पे सवाल डिस्कस करूँगा जो इसमें से आए हैं, तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, आपको फिर दोबारा खपने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी। The gigantic Chinese social experiment does not only concern Asia, however, but the West too. Chinese जो gigantic Chinese social experiment है, जो gigantic होता बहुत बड़ा, very large, बहुत बड़ा जो China का मुआशरती experiment है, ये सिर्फ इसका ताल्लुक Asia से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ Asia से नहीं है, बट वेस्ट टू, इसका ताल्लुक मगरब से भी है, इसका ताल्लुक सिर्फ एशिया से नहीं है, इसका ताल्लुक मगरब से भी है। विच हैज़ ऑलवेज क्लेम्ड, जिसका हमेशा ये दावा रहा है, टू हैव फाउंड द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन इन सिविलाइजेशन, जिसका ये दावा रहा है कि उसने इंसान और तहजीब का, इंसान और दुनिया का, बनी इंसान का हर मसले का हल दरियाफ्त कर लिया है, ये उससे भी इसका ताल्लुक है। चाइना का जो सोशल एक्सपेरिमेंट है ना, उसने एक्सपेरिमेंट किया है जो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है, उसका ताल्लुक सिर्फ एशिया से नहीं है, चाइना से नहीं है, उसका ताल्लुक पूरी दुनिया से है, तहजीब से है, वेस्ट से है, जिनका दावा है कि हमने दुनिया के हर प्रॉब्लम का, लोगों के हर प्रॉब्लम का, इंसानों के हर प्रॉब्लम का हल तलाश कर लिया है। फॉर ईयर्स, कई सालों तक चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग, चाइनीज स्ट्राइविंग करते रहे। स्ट्राइविंग बेटा होता है कोशिश करना, साथ साथ लिख लें आप, स्ट्राइविंग का मतलब कोशिश करना, टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज, के दुनिया को रियलाइज करा दें, दुनिया को समझा दें, बता दें, थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर, ऑफिशियल होता है सरकारी, इंटरप्रेटर होता है तर्जुमान के जरिए, एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, और माओ से तंग के पर्सनल फ्रेंड एडगर स्नो के जरिए ये लोगों को बावर करवा दें। क्या ये है बात मैं करने लगा हूं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बिसाइड्स एन इंक्रीज इन GNP, के GNP से बढ़कर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से बढ़कर, इन सब कुछ और भी अहम चीजें हैं, इससे बढ़कर भी कुछ चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं वो बात करते हैं। अगला पैरा शुरू कर रहा हूं। अब इसमें है कि व्हाई चाइना इज डिफरेंट, चाइना मुख्तलिफ क्यों है। अब दुनिया में देखें आप, चाइना भी बड़ी है, मुख्तलिफ क्यों है भाई, पढ़ना कितना दिलचस्प है कि चाइना के पास है क्या, वो क्या ऐसा चीज, ऐसा सिस्टम क्या है उनका। हम कहते हैं ना, हम कभी कभी कहते हैं सब सिस्टम की खराबी है, तो हमारा सिस्टम है उनमें फर्क क्या है, वेस्ट के और उनमें फर्क क्या है, दुनिया में उनमें फर्क क्या है, अभी देखते हैं।
चाइनीज मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड, एनालाइज होता है बेटा जांचना, परखना, मुशाहदा करना। चाइना के मॉडल का हम को कभी परख नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंसेस फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम, उसको हम वेस्ट से अलग करके हम कहें जी मगरब से ये मुख्तलिफ है, तो उसका उसको परख नहीं सकते सिर्फ इस बिना पर कि ये मगरब से मुख्तलिफ है। तो कहता है कि वेस्टर्न इट इन्वॉल्व्स एन अटरली मुकम्मल तौर पे डिफरेंट अप्रोच, इसके लिए कि मुकम्मल तौर पे उसकी सोच की जरूरत है, मुकम्मल अलग सोच की जरूरत है। इट इज़ अ सर्टन क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, ये नई दुनिया की तख्लीक है। अब चाइना में नई दुनिया की तख्लीक है, एंड न्यू मैन, नए आदमी की, नए इंसान की तख्लीक है। सिटीज शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गौर कीजिएगा सिटीज में ऑटोमोबाइल्स नहीं है। द सिटीज शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स विच इज़ नाइदर बैकवर्डनेस नॉट डिले बट अ रिजेक्शन, टू कोट रॉबर्ट गुलियन। रॉबर्ट के अल्फाज को अगर हम कोट करें तो उसके अल्फाज में ये ना तो बेटा बैकवर्डनेस है, यानी गरीबी नहीं है, पसमानदगी नहीं है, पीछे रह जाना नहीं है, और ना ही ये डिले, ना तखीर है। हम कह रहे हैं तरक्की में तखीर है, ऐसा भी नहीं, ये रिजेक्शन है। रॉबर्ट कहता है रिजेक्शन है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स नहीं है, वहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ नहीं हैं जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी दुनिया में नजर आती हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग ही नहीं है, नियॉन साइन चमकते हुए, नियॉन साइन दुकानों के बाहर लगे होते हैं, हमारे बड़े बड़े इश्तहार लगे होते हैं, वहाँ नहीं है। एंड द थ्री फीवर्स ऑफ मनी, वहाँ पर तीन फीवर नहीं है। भाई कौन से फीवर नहीं है, तीन तीन फीवर नहीं है, मनी, अल्कोहल एंड सेक्स। ना तो वहाँ वहाँ जर का फीवर है लोगों को, बुखार या मतलब है कि ये तीन कबाहते नहीं हैं, ये तीन चीज़ें जो फसाद की जड़ हैं, ये तीनों वहाँ नहीं है। देखिए वो कमा रहे हैं लेकिन कि फीवर नहीं है लोगों को, लोगों को एक बुखार नहीं चढ़ा हुआ उसका, एक बीमारी नहीं बनी हुई, अल्कोहल शराब नहीं है, सेक्स नहीं है। अब मगरब में देखिए अगर तरक्की हुई है, लेकिन वो हमें सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, कबाहतें हैं, ये बेरा रवि बहुत ज़्यादा है, तो ये चाइना में नहीं है। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेस, लोगों पर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, लोगों पर जो सियासी कंट्रोल है, नॉट ओनली स्टॉप द एग्जॉडस, ये सिर्फ रोकता नहीं एग्जॉडस फ्रॉम द कंट्री साइड के गाँवों से लोग उठ उठ के शहरों में जाएँ, बट इवन मैनेजेस, ये मैनेज करता है पार्टली किसी हद तक टू द रिड्यूस द पॉपुलेशन सिटी। ना सिर्फ ये लोगों को रोकता है कि शहरों देहातों से उठ के गांव में चले जाए, शहरों में चले जाए, बल्कि ये शहरों की आबादी को बढ़ने से रोकता है। तो शहरों की आबादी बढ़ने से प्रॉब्लम आते हैं, इतनी सहूलियत देना मसला होता है, फिर आपकी ज़रात तबाह हो जाती है, बड़े सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अगला पैरा शुरू कर रहा हूँ, ये बात ही चाइना मुख्तलिफ क्यों है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ये हैं और ये नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है, वहाँ पे गाड़ियाँ लंबी लंबी गाड़ियाँ नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, नेवन साइंस नहीं है, ये पेपर में हम लिख सकते हैं अगर आ जाए तो, क्यों मुख्तलिफ है। थ्री फीवर्स नहीं है, मनी नहीं है, अल्कोहल नहीं है, सेक्स नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें हल्की फुल्की तो माशरों में होती हैं, लेकिन इंतहा जैसे मगरब में है ऐसे बेटा वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। फिर वहाँ पे लोगों की आबादी को कंट्रोल किया जाता है कि वो आप देहातों से टूट के शहरों में ना जाएं, और शहरों की आबादी को भी वो कंट्रोल करते हैं। इन द ईयर 2000, अब ये चूँकि सबक पहले लिखा गया है, तो वो कहता है 2000 में चाइना विल स्टिल बी ए पावरफुल एग्रीकल्चरल एंड पेजेंट कंट्री। ये 2000 में वो कहता है कि चाइना एक बहुत बड़ा जर्री मुल्क बनेगा, फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव अकर्ड, क्योंकि देख रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जर्री निज़ाम कैसा है, अगर ज़रात है तो कैसी है। ज़रात का मतलब ये नहीं कि आप बड़े पीछे रह जाएं, आप तरक्की ना करें। वो कहता है कि 2000 में चाइना बहुत बड़ा जर्री मुल्क होगा फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इसकी जो जदीदियत है, इसका जो मॉडर्निज्म है, विल हैव अकर्ड, वो हो चुका होगा, वो मॉडर्न हो चुका होगा, विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड, खेतों से राह फरार अख्तियार किए बगैर, खेतों को छोड़े बगैर, वो बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री बन चुका होगा, खेतों को नहीं छोड़ेगा, मॉडर्निज्म उसमें होगी। क्यों कैसे? अच्छा, ये मॉडर्न, वो कहता है कि जो चाइना है ये भी मॉडर्न हो जाएगा, तरक्की कर जाएगा, लेकिन खेतों को छोड़े बगैर कर जाएगा। देखिए ना वेस्ट ने क्या किया है, वेस्ट में एक कीमत अदा की है, लिखा भी है विच इज द प्राइस पेड बाय द वेस्ट, जो वेस्ट ने कीमत अदा की है ना, खेतों को छोड़ के वो तरक्की कर गए हैं। भाई कैसे तरक्की कर गए हैं? इस तरह तरक्की, वेस्ट ने तरक्की बेटा ऐसे की है कि वहाँ पे ज़रात ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री इंडस्ट्री हो गई, तो उन्होंने उन्हें कुर्बानी देना पड़ी क्योंकि ज़रात ख़त्म हो गई। हमारे पास, चाइना के पास जो है ज़रात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन चाइना तरक्की कर जाएगा। इन चाइना, चाइना में टू हैव द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग, चाइना में एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न्स इज ग्रोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स। चाइना में बेटा जो एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग है, जो फार्मिंग होती है ना एवरेज साइज, वो कैसे होती है? कम्यून्स के जरिए। हमारे होते हैं गाँव, यूँ समझ लें आप, कम्यून और गाँव में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन हमारे होते हैं गाँव देहात, वहाँ होते हैं कम्यून्स, और कम्यून्स को दोबारा वो तकसीम करते हैं विद सब डिवीजन, फिर उसकी सब डिवीजन है, उसके आगे फिर तकसीम है।
इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड एंड टीम, फिर प्रोडक्शन ब्रिगेड है उनकी और फिर उनकी टीम्स बनी हुई हैं, बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीसेंट मैसेस स्टे पुट एंड कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर। ये सवाल होता है, उनका सवाल आता है ये पेपर में, डिस्कस एग्रीकल्चरल सिस्टम, तो हम कहेंगे दे कैरी ऑन देयर, दे आर ग्रोइंग देयर एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ कम्यून्स, फर्दर सब डिविजन ऑफ ब्रिगेड्स एंड टीम्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल लेबर, ये बातें हम करेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल जो लेबर है, जो कि रवायती लेबर है, जो हम जैसे हम काम करने वाले हैं खेतों में, वो भी ऐसे चलती रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना में जो एग्रीकल्चरल जो फार्मिंग होती है वो कम्यून्स के जरिए होती है, जिसकी मजीद सब डिवीजन फिर ब्रिगेड में होती है, टीम ऑफ प्रोडक्शन में होती है, और उनकी जो लेबर है, इंटेंसिव लेबर जो खेतों में काम करते हैं ना हम लोग, वो भी चलती रहती है। ये उसका सिस्टम है, बड़ा उसने सिंपल सा समझा दिया है, ये आपने याद रखना है, पेपर में सवाल आता है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। अब एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन का मतलब है एग्रीकल्चर मशीनरी जो है is being introduced with considerable caution, उस बड़ी एहतियात के साथ उसका उसको मुतारफ करवाया जा रहा है। बेटा अगर अचानक से मशीनरी आ जाए तो मजदूर खत्म हो जाता है। कहता है कि अगर मशीनें हो तो मजदूर खत्म हो जाता है, फिर मजदूर भूखा मरता है। कहता है कि बड़ी कॉशन के साथ, बड़ी एहतियात के साथ मशीनरी इंट्रोड्यूस कराई जाती है, सो एज टू अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस, ताकि बैलेंस अपसेट ना हो जाए। याद रखिए हम एग्रीकल्चर सिस्टम ही मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, यही डिस्कस हो रहा है उसमें, ये बात उसका एग्रीकल्चर सिस्टम डिस्कस हम कर रहे हैं। अगर आप सवाल छोटा लिखना चाहते हैं तो ये जवाब काफ़ी है, कम्यून के जरिए, ब्रिगेड के जरिए, टीम के जरिए, और ट्रेडिशनल लेबर्स की है। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई जहीन फतीन स्टूडेंट हैं, तो बेटा ये अगली बातें भी आप कर सकते हैं कि मशीनरी है, सवाल पैदा होता है मशीनरी है तो फिर कैसे है, लेकिन कॉशन के साथ कि लेबर खत्म ना हो जाए, अब सेट ना हो जाए बैलेंस। बट द एसेंशियल पॉइंट ऑफ मैटर इज दैट, एसेंशियल पॉइंट ऑफ मैटर दैट कि एग्रीकल्चरल लेबर जो है, लेबर थ्रू पॉसिबली डिप्राइव्ड ऑफ फार्म मशीनरी, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, जो मशीन है, लेबरर है, जो मशीनरी से महरूम है, मस्ट नॉट एंड डज नॉट वॉन्ट टू बी अर्बनाइज, उसके वो ना चाहता है ना उसे चाहिए कि अर्बनाइज हो जाए। अर्बनाइज का मतलब है शहरों में चला जाए, उसका जहन नहीं है कि मैं शहरों में चला जाऊँ, यहाँ से मैं वहाँ बेहतर हूँ, ऐसा नहीं है वहाँ पर। ये हमारे पास ही एक कम्प्लेक्स पाया जाता है, ऐसा से कमतरी कम्प्लेक्स भी होता है, कुछ क्लासिफिकेशन भी होती है, ये क्लासेस का कम्प्लेक्स है, वहाँ ऐसा नहीं है, सब बराबर काम करते हैं, यही चाइना का मॉडल है। और कहता है कि बट इट इज इंस्टेड केप्ट ऑन स्पॉट, उसे रखा जाता है उसी मकाम पर जहाँ वो है, एंड इनकॉर्पोरेटेड इन लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसको फिर कहाँ खपाया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसे यूज़ किया जाता है, उसको जगह दी जाती है, कहाँ बेटा लोकल इंडस्ट्रीज में, हर जगह लोकल इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ उसको जगह दी जाती है। ये नहीं है कि गाँव में अगर खेत हैं तो खेत ही खेत हैं, उसके साथ इंडस्ट्री भी है, उसके साथ ज़रात भी, हर चीज़ को साथ लेकर चलते हैं, उन्होंने बैलेंस अपसेट नहीं किया। अगली बात करूँगा, कहते हैं कि ही डज नॉट फ्ली टू द सिटीज, वो सिटीज की तरफ हिजरत नहीं करता, फ्ली मतलब उड़ जाना, लेकिन वो सिटीज़ की तरफ हिजरत नहीं करता, वो सिटीज़ की तरफ राय फरार अख्तियार नहीं करता, बिकॉज द इंडस्ट्रियल रोड पासिस थ्रू, बड़ी अहम बात उसने की है कि इंडस्ट्रियल रोड है, तरक्की तो संती हर बंदा करता है, हर मुल्क करता है, जो इंडस्ट्रियल रोड है वो कहाँ से गुजरता है, पासिस थ्रू गुजरता है टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल एंड डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री, क्योंकि वो गुजरता ही कहाँ से है, तकनीकी तौर पर जो जर्री इलाके हैं और डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री है उसमें से होकर ये तरक्की का सफर उनका गुजरता है, तरक्की का रोड गुजरता है, तक वो सबको साथ लेके चलता है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसी की हम बात कर रहे हैं आज, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है विच इज़ परहैप्स, यानी कि मरकज ग्रेज मोरिशत, विच इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन चाइनीज डोमेस्टिक पॉलिसी, ये चाइना की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उनकी जैसे कह लें कि अपनी पॉलिसी जो होती है, डोमेस्टिक पॉलिसी जो होती है, एक होती है खारजा पॉलिसी और एक दाखला पॉलिसी। दाखला पॉलिसी में, डोमेस्टिक पॉलिसी में सबसे अहम काम यही है, सिंस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, उनका एक बेटा आया था, वो इस तरह आया था कि जब लगा, माओ को लगा कि कम्युनिस्टों की पार्टी पर पूरा कब्जा होता जा रहा है इनका, बड़े बड़े लोगों का, उमरा का, राउसा का, जागीरदारों का, वडेरों का, तो उसने क्या किया, फिर मजदूरों को थोड़ा मुतहर्रक किया कि थोड़ा सा इनको डराते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा इनकलाब बना कि खूनी इनकलाब हो गया, स्टूडेंट भी उसमें रेड गार्ड्स के नाम पे शामिल हो गए, लोगों की लाशें बिछ गई, बड़ी तबाही बर्बादी हुई, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि डिसेंट्रलाइज इकानमी बन गई। ये सबसे बड़ा उसने कहा, पर हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन चाइनीज डोमेस्टिक पॉलिसी सिंस द ग्रेट
प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में हैज फ्रीड चाइना फ्रॉम द ट्रेडिशनली कंबरसम ब्यूरोक्रेसी, कि उसने चाइना को फ्री कर दिया। कंबरसम ब्यूरोक्रेसी क्या है, गौर कीजिए, लिख ले, कंबरसम होता है बड़ी खतरनाक, डिस्टर्बिंग, इरिटेटिंग, प्रॉब्लमेटिक, और भी ये कह लें कि आप जिसका लोड हो, जो बड़ी वजन हो, जिस पर जिसका आप पर तकलीफ हो, जिसकी वो ब्यूरोक्रेसी जान छड़ो, ब्यूरोक्रेसी हमारी भी है। एंड डेवलप्ड लोकल इंटरप्राइज, उसने डेवलप किया लोकल इंटरप्राइज को, लोकल इदारे कायम किए, लोकल बिजनेस कायम किए टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, और बहुत इंडिपेंडेंस पैदा हुई, यानी कि खुद इन्हसारी पैदा हुई, ये नहीं कि सारा पैसा इकट्ठा होकर मरकज की तरफ जा रहा है, हर इलाके की तरफ खुद कफील कर दिया। मकसद कहने का यह था कि इस उनके इंकलाब के बाद फिर वो खुद कफील हो गया चाइना, कि हर इलाका खुद कफील हो गया। 26 चाइनीज प्रोविंसेस, चाइना को 26 जो उसके सूबे हैं, विच आर एज मच एज इवन 44 किलोमीटर अपार्ट, 4400 किलोमीटर दूर जो सूबे हैं, अब वो सारे के सारे कुड फॉर द दैट मैटर सबसिस्ट, गुजारा कर सकते हैं ऑन देयर ओन इन द इवेंट ऑफ वार, जंग के दोनों में हर सूबा अपना गुजारा खुद कर सकता है। ये नहीं है कि जंग हो गई है, सारा पैसा मरकज में पड़ा है और मरकज में तबाही बर्बादी आई हुई है और परेशानी बनी हुई कि बनेगा क्या, तबाही आ जाएगी, परेशानी आ, नहीं ऐसा नहीं है। उनके 26 के 26 प्रोविंसेस 4400 किलोमीटर दूर हैं, दे कैन सबसिस्ट ऑन देयर ओन, वो अपना गुजारा खुद कर सकते हैं क्योंकि वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। तो बेटा कहता है कि वाइल एनी बॉडी इन्वेडिंग द कंट्री, जो इन्वेड होता है हमला करना, अटैक करना, कोई भी मुल्क जो इस मुल्क पे इन्वेड करेगा, हमला करेगा, वुड बी लिटरली ड्राउंड इन द सी ऑफ पीपल, वो लोगों के समंदर में गर्क हो जाएगा। ड्राउंड होता है गर्क होना, डूब जाना। अगला पैरा शुरू कर रहा हूँ। अब ये सारी बातें हमने कर ली, मशीनरी की बातें और ज़रात की बातें भी हमने कर ली, और लोग उनका मॉडल क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब है ह्यूमन साइड क्या है, इंसानों के साथ क्या सलूक है, इन क्या वो सारा दुनिया को जन्नत तो बना रहे हैं, क्या इंसानों का कोई किरदार उसमें है, कोई इंसान का फ़ायदा भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सारी मशीनरी की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं। तो ह्यूमन साइड ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट तक हम आए हैं, दिस ब्रिंग्स अस, अब हम पहुँचते हैं, ये हमें लाता है, जो भी आप तर्जमा कर लें, टू द ह्यूमन साइड ऑफ दिस चाइनीज एक्सपेरिमेंट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। चाइना का जो नई दुनिया बनाने का ये जो एक तजुर्बा है, उसमें अब हम पहुंचते हैं इंसानी साइड पर, इंसानियत की साइड पर, कि अब क्या कर रहा है इंसानियत के लिए। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग, ये कहता बस ये इसी चीज को साबित कर रहे हैं दैट थॉमस हॉब्स वाज रॉन्ग, कि थॉमस हॉब्स जो था उसने किताब लिखी थी लेविथन, आगे जिक्र आएगा। When he wrote in his Leviathan, उस Leviathan जो लिखा, that man's condition is a condition of war with everyone, against everyone, जिसमें उसने लिखा था कि इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ हालत जंग में है, वैसे हमारे तो ऐसा ही है, उसने लिखा था Leviathan में थॉमस हॉब्स ने कि इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ हालत जंग में है, और उसने इन्होंने गलत साबित कर दिया कि इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ हालत जंग में है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज टेकिंग प्लेस टुडे इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, आज टेकिंग प्लेस होता है वाक्य हो रहा है, क्या हो रहा है, अकर्ड, अकरिंग, हैपनिंग हो रहा है, मोस्ट पॉपुलस सबसे ज्यादा गुंजान आबाद, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला उनका है मुल्क है दुनिया का, वहाँ क्या हो रहा है, देयर फॉर द एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन, वहाँ पे इंसान की तालीम हो रही है। द हार्ट ऑफ द मैटर इज, जो इस मामले की रूह है, सोल है, वो ये है, नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस, के खुद गर्जी को निकाल बाहर किया जाए, एंड ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस सेल्फलेसनेस, और क्या लेके आए, सेल्फलेस, बेगर्जी पैदा करें, खुद गर्जी को निकालें। देखिए ह्यूमन साइड उसकी खाली नहीं छोड़ी उन्होंने, वो ये है कि आप खुद गर्जी को ख़त्म करें, बेगर्जी को जन्म दें, डेडिकेटेड मैन पैदा करें, हुज हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ सर्विंग देयर फेलो मैन इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, कहता है कि और ऐसे लोगों को जन्म दें, ऐसे लोग पैदा करें, ऐसे लोगों को की तरबियत करें जो मुकम्मल एहसास के साथ इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं, जिनकी खुशी दूसरे इंसानों की खुशी में मुजमिर हो, जिनकी खुशी दूसरे इंसानों की खुशी में पिनहा हो, जिनकी खुशी दूसरे इंसानों की खुशी के साथ जुड़ी हुई हो। तो ये ह्यूमन साइड है उनकी, उन्होंने ऐसा मॉडल डेवलप किया इन ह्यूमनिज्म, इंसानों का इंसानों के साथ जो ताल्लुक है, एट द सर्विस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, इज्तमाई जज्बे से सरशार चाइना इज स्ट्राइविंग, चाइना कोशिश कर रहा है टू कंसीव, पैदा करे मॉडर्नाइजेशन जिद्दत, एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंडस्केप, दुनिया को जन्नत बनाने के इस प्रोसेस में एक जुजवी तौर पर, हिस्से के तौर पर वो यूँ हिस्सा डाले कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स कल्चरल लाइफ, लोगों की कल्चरल लाइफ को, लोगों की ये जो कल्चरल लाइफ है, कल्चर सकाफती लाइफ है, जिंदगी है, उसको यूँ डेवलप करे कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, के सबका फायदा हो, इंस्टेड ऑफ
फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लेसिंग द नीड्स ऑफ मैन बिफोर दोज ऑफ द मशीन, बजाय इसके कि मशीन की ज़रूरत को इंसान की ज़रूरत पर फोकस दी जाए। इंसान की ज़रूरियात पर मशीन को फोकस देने से बेहतर ये समझा गया है कि इंसान दूसरे इंसानों की भलाई चाहे, उनकी कल्चरल डेवलपमेंट हो। इस तरह की चाइना एक मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और इस तरह दुनिया को जन्नत बनाने की वो कोशिश कर रहा है। आखिरी पैरा है कि हेयर इज व्हाट पेकिंग पीपल, बीजिंग के पीपल्स डेली, बीजिंग का अखबार है पीपल्स डेली, हैज़ टू से, उसे कहना पड़ा कमेंटिंग कमेंट करते हुए ऑन माओस फेमस मैक्सिम, माओ के फेमस मैक्सिम पर कमेंट करते हुए कहना पड़ा कि रिलाई ऑन योर ओन सोर्सेज, कि अपने रिसोर्सेज पर, अपने वसाइल पर ही आप इन्हिसार करें, अपने वसाइल पर ही आप इन्हिसार करें। बेटा नेशनल मशीन्स, ये कौन कह रहा है, पैकिंग का या बीजिंग का ये न्यूज़पेपर है पीपल्स डेली, इस मैक्सिम पर, इस कॉल पर कि रिलाई ऑन योर ऑन फोर्सेस पर अमल की तफसीर बयान करते हुए, तफसील बयान करते हुए, कमेंट करते हुए कहता है कि नेशनल मशीन्स, जो कौमी मशीनरी है जो वहाँ बनती है एंड इक्विपमेंट हैं, आर नॉट सर्ट इंटायरली इंडिजिनस, ये मुकम्मल तौर पे इंडिजिनस नहीं है। ये मैंने बात बेटा की है इंडिजिनस मशीनरी, इंडिजिनस का मतलब होता है जो आपका नेटिव होता है, जो आपके इलाकाई होती है, जो लोकल मशीनरी होती है, जो आप खुद बनाते हैं, जो देसी होती है। कहता है इंटायरली इंडिजिनस नहीं है, ये मुकम्मल देसी नहीं है, सिंस क्योंकि दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, उन्हें बहुत सारी गैर मुल्की फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, ये सिर्फ मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस नहीं है। दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, उसमें बहुत से फॉरेन फीचर्स हैं, उनमें बहुत से गैर मुल्की खसूसियात भी हैं। दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स, वो जो गैर मुल्की मशीनरी है उसको ये रिप्लेस कर सकती हैं, बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट, क्योंकि जो फॉरेन इक्विपमेंट है, जो बाहर की मशीनरी है, उससे ये बहुत अच्छी मशीनरी है। चाइना कहता है कि उसकी मशीनरी उससे बहुत अच्छी है। दे डोंट रिक्वायर मनी, उन्हें पैसे की जरूरत ही नहीं है। देखिए बाहर से मशीनरी जो मंगवानी पड़ती है ना, आपको डॉलर बाहर भेजना पड़ता है तो चाइना को भी भेजना पड़ता है। चाइना कहता है उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, और एट एनी रेट अगर जरूरत पड़ भी जाए पैसे की तो एट वेरी लिटिल, थोड़ा सा जरूरत पड़ती है। एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग, कहता है कि वो ऐसा ग्रेट थिंग, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं कि वो काबिल है। चंद दो लाइनें रह गई, इट मेक्स मच लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है टू यूज इंडिजिनस इक्विपमेंट। फायदा क्या है, ऑन रिसोर्सेज का क्या बात है, देर लाए ऑन देर ऑन रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, फॉरेन फीचर्स में मौजूद हैं, इजी मेंटेनेंस है, चीपर फास्टर, चीपर भी हैं, सस्ते हैं, फास्टर हैं, तेज़ हैं। ये बात आप नोट कर सकते हैं, सवाल पेपर में आता है, बड़ा इजी है, दो चार चीज़ें खुद से बयान करेंगे। टेक्स मच लेस टाइम टू यूज इंडिजिनस इक्विपमेंट, बड़ा ईजी है उस इंडिजिनस इक्विपमेंट को यूज़ करना, विच वैन नॉट अवेलेबल, जब यूज अवेलेबल ना हो, अगर है ही नहीं किसी, अगर वो मशीनरी फर्स्ट किया नहीं है तो क्या करेंगे, कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड, प्रॉम्प्टली था फौरी तौर पे इमीडिएटली इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इंडिजिनस इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस बिगर, लिखा है बिगर, फास्टर, बेटर, चीपर रिजल्ट, बड़े अच्छे रिजल्ट होंगे, तेज होंगे, बड़े रिजल्ट होंगे, सस्ते रिजल्ट होंगे। फाइनली आखिर में ये बात, इट कैन स्टिमुलेट, ये मुतहर्रिक कर सकता है रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, ये क्या है, इंकलाबी जज्बा पैदा कर सकता है ऑफ द मासेस लोगों में, एंड विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, इसी इंकलाबी जज्बे के साथ डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम, तमाम डिफिकल्टीज जो हैं उन पर बेटा काबू पाया जा सकता है। तो ये मैंने टॉपिक डिस्कस कर लिया सारा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का, कि चाइना में क्या इंपॉर्टेंट है, चाइना डिफरेंट क्यों है, चाइना का क्या सिस्टम है, उसके बाद एग्रीकल्चर सिस्टम जो है उसमें कम्यून्स हैं, उसमें ब्रिगेड है, उसमें टीम्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें ट्रेडिशनल लेबर भी है, उसमें मशीनरी भी इस्तेमाल होती है, दे यूज मशीनरी, लेकिन बड़ी कॉशन के साथ, बड़े ख्याल के साथ, कि कहीं मसला ना बन जाए, प्रॉब्लम ना बन जाए, उनका मजदूर फारग ना रह जाए, उनका मजदूर वेला ना फिर रहा हो, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ना पैदा हो जाए, ये कह लें आप, और गुरबत, जिसके नतीजे में गुरबत पैदा ना हो जाए। उसके बाद बेटा वो बात करते हैं कि रिसोर्सेज उनके अपने क्यों ओवर रिलाई करते हैं, बेटा उनके जो रिसोर्सेज हैव फॉरेन फीचर्स, उनमें फॉरेन फीचर्स भी है, एंड दे आर चीपर, सस्ते मुल्क में बनते, सस्ते तो होंगे, ईजी टू बी प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, ईजी टू प्रिपेयर है, और ईजी टू मेनटेन है, मेनटेन करना बड़ा आसान है, वो बड़े फास्ट रिजल्ट देते हैं, बड़े बिगर हैं। इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी वाला खत्म हो गया, दो लेक्चर इसके और होंगे बेटा, बड़े गौर से, शौक से सुनने का बहुत शुक्रिया है। आप इस लेक्चर को लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, और कोशिश करें कि आप अगर नए हैं, आज पहली दफ़ा सुन रहे हैं लेक्चर, तो बेटा आप इसको लाइक कर लें, आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में एक घंटी का बटन बना हुआ है ऐसे, ज़रा ऐसे हाथ लगाना है आपने उसको, तो आपको ये मिलता रहेगा। इसके साथ कुछ अर्से के बाद मैं आ रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर्स में लेकर आऊँगा, स्पीकिंग कोर्स लेकर आऊँगा, इसका आपको यकीनन बहुत सारा फ़ायदा होगा। इसके साथ मेरी आपको ये नसीहत है बेटा, कोशिश करें, मेहनत करें, देखें ये पसीना आ रहा है ना, मेहनत के बगैर तो आप समझें कि आप कामयाब हो सकते तो इम्पॉसिबल है,
ये मुमकिन ही नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे और कामयाब हो जाए। शॉर्टकट जिसका भी तलाश करेंगे, आखिर आपको याद रहे जब आप 16 साल पढ़ लेंगे, 15, 16, 20 साल पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि एंड पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आज वक्त है इंग्लिश सीखें, सीखना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जबान इंग्लिश है। आपको कहीं जाना है, कहीं पढ़ना है, कहीं रहना है, कारोबार करना है, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा आपके लिए। और मैं फिर आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हिम्मत करें, हिम्मत करें। इंसान तो बहुत दूर तक जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि मेरे हालात ठीक नहीं है, तो बेटा हालात किसी के भी इतने ठीक नहीं होते। हम कभी कहानी में आपको बताऊंगा कि हमने कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आजकल एज ए गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए लेक्चरर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं किसी स्कूल कॉलेज का प्रॉपरली पढ़ा हुआ नहीं हूँ। वो कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊँगा, ये ऐसा क्यों हुआ, किस तरह हुआ। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे अपने उस्ताद एडी तबस्सुम को, इजाज़त दीजिए। और हमारे साथ क्लिक स्टूडियो से हैं इमरान भाई हैं, जो बड़ी गर्मी में बैठ के, गर्मी पता क्यों होती है, क्योंकि हम पंखा बंद कर देते हैं, इसकी आवाज़ आती है माइक में, आपके लिए प्रॉब्लम होती है, तो बड़ी गर्मी में बैठ के जो लेक्चर कैप्चर कर रहे हैं कैमरे के दूसरे से बैठे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही अपने उस्ताद एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। अल्लाह ने ये बान, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम जी।